हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का। जैसे कि आपको पता है कि हम राजन सीरीज़ का जो प्रैक्टिस सेट है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपके 5 नंबर जो बहुविकल्पीय से पूछता है, जो मतलब 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे जो 5 नंबर के होंगे, और अति लघु पूछेंगे वो भी 6 होता है और 6 नंबर का होता है। और आपका 7 प्रश्न होते हैं वो आपके 2-2 नंबर के होते हैं, तो इसलिए आपको वो 14 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न यही है कि 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। ठीक है, 1024 गीगाबाइट किसके, ठीक है, तो आपका प्रश्न है कि 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। अब चलिए हम यहाँ बहुत ही अच्छे से, जैसे कि आपको पता है कि होता है 1 KB में कितना बाइट होता है, 1 MB में कितना KB होता है, 1 GB में कितना MB होता है, 1 TB में कितना GB होता है। तो ये फिलहाल तो GB दे दिया है, तो मैं बता देती हूँ कि 1 NIBAL में कितना होता है। तो चलिए मैं इसको विस्तार से बता देती हूँ। 1 NIBAL में आपका होता है 4 बिट, ठीक है, 4 बिट होता है, और 1 बाइट में आपका 8 बिट होता है। ये भी आपको मालूम होगा, 8 बिट होता है, और उसके बाद 1 KB में आपका 1024 आपका बाइट होता है। फिर आता है कि मतलब 1 MB में कितना KB होता है, तो 1 MB में आपका 1024 KB होता है, और 1 GB में कितना MB होता है, तो 1 GB में आपका 1024 MB होता है, और एक टीबी में कितना GB होता है, तो 1 TB में आपका 1024 GB होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, वेरी IMP प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है, जो अलग अलग रूप से जो पृथक पृथक रखे हुए होते हैं, तो यही आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अगला आपका जो प्रश्न है कि MS, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इस प्रश्न को अगर आपने शो नहीं हुआ हुआ इसके लिए सॉरी, यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है, जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रूप में रखे हुए होते हैं। 71 आपका प्रश्न है कि MS Outlook क्या है। DLED 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है कि MS Outlook क्या है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर है। यह वर्तमान विंडो में MS Outlook 2010 के रूप में कार्यान्वित है। ठीक है, तो MS Outlook क्या है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS Outlook 2010 के रूप में कार्यान्वित है। 72 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रायः प्रयोग होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी की किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग मुख्य रूपों में किया जाता है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज को इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु। 73 आपका प्रश्न है कि वर्तमान में पैकेजेस कितने प्रकार के होते हैं। वर्तमान में जो पैकेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्तमान में पैकेज के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील है। पहला आपका है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, ठीक है, तीसरा आपका वर्कशीट, और चौथा आपका है डाटाबेस पैकेज। ठीक है, तो ये आपके 4 वर्तमान में जो पैकेज हैं ये आपको याद रखना होगा, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन प्रोसेसर या फिर पैकेज, ठीक है, वर्कशीट पैकेज और डाटाबेस पैकेज। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। पहला है MS Word, दूसरा है MS Excel, ठीक है, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access। तो ये आपके 4
ऑफिस पैकेज, जैसे कि पूछ रहा है कि ऑफिस पैकेज, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वर्तमान में कौन कौन से पैकेज है ये पढ़ा, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस पैकेज। अब ये पूछ रहा है कि ऑफिस पैकेज जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित चार प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि वर्कशीट क्या है, डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है कि वर्कशीट क्या है। तो वर्कशीट टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं, जिसमें हम काम करते हैं उसे हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कॉपी करने तथा पेस्ट करने की एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो आपको मालूम होगा कि कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए हम एमएस ऑफिस में किस कंट्रोल या फिर किस शॉर्टकट का प्रयोग हम करते हैं। तो ये आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। मुझे तो इसका आंसर होगा कि मान लो आपको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C से करोगे, ठीक है। आपको अगर कुछ भी कॉपी करना है तो आप जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है आप कंट्रोल, ठीक है, आप Ctrl+C दोनों एक साथ अगर दबाओगे तो वो कॉपी हो जाएगा, और कहीं पेस्ट करना चाहते हो तो आप Ctrl+V पर क्लिक करोगे तो वो Ctrl+V से पेस्ट होगा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं Ctrl+X से क्या होता है। तो Ctrl+X से क्या होता है, कॉपी होकर और कट जाता है, मतलब उस स्थान से कट जाता है और कहीं और आप Ctrl+V मतलब पेस्ट कर सकते हो। Ctrl+P से क्या होता है, तो Ctrl+P से आपका प्रिंट हो जाता है। ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर को बंद करना चाहते हो तो आप Alt+F4 से भी, ये शॉर्टकट ही है, Alt+F4 से आप कंप्यूटर को बहुत ही आसानी के साथ बंद कर सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। तो जो आपका याहू सर्च इंजन था उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ हुआ था वो 1994 ईस्वी में हुआ था, और वेरी आईएमपी प्रश्न है। अगला जो आपका प्रश्न है कि याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। तो पहले तो अगर आप याहू देखो तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 ईस्वी में हुआ था। कभी भी आप याहू देखो तो सबसे पहले ये सोचो कि याहू का सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1994 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। तो यह भी जी मेल के समान ही संदेशों को किसी भी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI, ठीक है, URI मतलब ये इसका लिंक है याहू का, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का आपका, मतलब ये कहने का है कि ये भी संदेश भेजता है दूसरे व्यक्ति के पास, एक मतलब आईडी होगा, ठीक है, एक आईडी होगा तो जो दूसरा व्यक्ति होगा या फिर पहला व्यक्ति होगा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजेगा या फिर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास संदेश भेजेगा, उसी प्रकार की ये याहू मेल है जिसकी लिंक है URI, ठीक है, और ये http://mail.yahoo.com/mail, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। तो हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया, और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके वेरी आईएमपी हैं। हमने इसके पहले भी जो प्रश्न डिस्कस किए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आप बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, ठीक है। जो आपका अभी तो मुझे लगता है आपका जो इंटर्नशिप है वो भी शुरू हो चुका होगा, आप फॉर्म वॉर्म जमा कर रहे होगे, ठीक है, वो भी शुरू हो गया होगा। और उसके बाद आपका जब इंटर्नशिप, तो एक महीना तो उसमें ही चला जाएगा, उसके बाद आपको अपनी तैयारी भी करनी है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ही आप टेलीग्राम से जुड़ के, और जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो मेरे जो इस चैनल का नाम है अपडेट विद काजल, वो भी
उसी चैनल का नाम है अपडेट विद काजल। आप वहाँ से जुड़कर जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।